बहुत खुशी का मौका है ना, हम मेरे लिए, पूरी टीम के लिए, तो सब इकट्ठा हुए हैं एंड एवरीबडी इज हैप्पी एंड सेलिब्रेटिंग द फैक्ट दैट 300 एपिसोड्स तक तेनाली रामा जो शो है वो खड़ा रहा और लोग आज भी पसंद कर रहे हैं देखना. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी एंड द एंटायर टीम. ऑनेस्टली जब शुरुआत की थी तब इतना आसान नहीं था क्योंकि भाषा है थोड़ी सी यू नो क्लिष्ट है और कैरेक्टर बड़ा सख्त है, तो बहुत लिमिटेड सा फील कर रहा था मैं. बट धीरे धीरे जो जर्नी रही है कृष्णदेव राय की तेनाली में, आई थिंक इट्स बीन फैंटास्टिक. मुझे खुद ये कैरेक्टर करने में मज़ा आया है, इस कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है और जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड जो पूरी टीम को महसूस हो रहा है ना. कोई भी जो तेनाली से एसोसिएटेड हैं उन सब के लिए जो तारीफें मिलती हैं, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग. सो आए दिन आते रहते हैं, तेनाली को लोग पसंद कर रहे हैं, ट्विटर पे भी बहुत मैसेज आते हैं, इंस्टा पे भी आते हैं, लोगों को जो सीन्स होते हैं रामा और राजा के बीच में कुछ इंटेंस, कुछ भावुक से सीन्स, वो अच्छे लगते हैं तो लिखते हैं वो लोग. दैट इट्स ग्रेट टू सी द टू ऑफ यू टुगेदर. अब क्या होगा, ये कर सकते हैं, ऐसे क्यों नहीं करते हो, अरे माफ़ कर दो कृष्णा, लॉट ऑफ थिंग्स, पीपल इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसी में मज़ा है कि हम जो काम करें उसमें लोग अपने आप को अगर इन्वॉल्व फील करें तो इट्स ऑनर. बहुत सारी मूवी अब प्यार करते हैं तो आई एम श्योर दैट वो लोग अच्छी बातें लिखते हैं. एक बात जो सबसे ज़्यादा लोग लिखते हैं कि कृष्णदेव राय को के कैरेक्टर को मैं सूट करता हूँ. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग जब कोई कहता है कि आप इस कैरेक्टर में अच्छे दिखते हैं या आपको इस कैरेक्टर में देखा जा सकता है कि अब हमारे लिए कृष्णदेव राय की ये शक्ल है. इट्स अ ग्रेट, इट्स एन अचीवमेंट, क्योंकि कृष्णदेव राय जब आप पढ़ेंगे उनके बारे में तो बहुत महान व्यक्ति रह चुके थे, तो आई थिंक उनकी तुलना में या उनके जूतों में कदम रखना, लिटरली स्पीकिंग, आई थिंक इट्स एन ऑनर. मैं फैन से मात्र थैंक यू कहना चाहूँगा बिकॉज दे हैव बीन विथ अस एंड वी आर स्टैंडिंग फॉर 300. प्लीज स्टैंड बाय अस एंड वी विल गो 300 मोर एंड मोर एंड मोर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. पहले ये बोलेंगे उसके बाद मैं बोलूँगा. थैंक यू सो मच. मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी ज्वाइन किया तेनाली रामा ग्रुप के साथ और मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ एंड आई एम सो हैप्पी कि हमारे सीरियल का 300 एपिसोड्स कंप्लीट हुए एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस शो एंड आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल आवर ऑडियंसेस कि प्लीज़ हमारे शो को देखिए. हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं बिहाइंड द सीन. हम लोग, हमारे गेटअप लेने में इतना टाइम लगता है, इतना लंबा हम लोग मतलब वो जो ट्रैफिक और ये सब में हमारा जो हर रोज़ सेट पे आना, बहुत मेहनत करते हैं. प्लीज़ देखिए हमारे शो. थैंक यू. मैं तो बड़ी लंबी बात बोल डालूँगा, आप छोटा सा सवाल पूछिए, मैं छोटा सा जवाब दूँगा. मैं इसे वेरी बिग मोमेंट, बड़ी खूबसूरत घटना है, बहुत खूबसूरत दिन है और अद्भुत दिन है और 300 एपिसोड की जर्नी हम लोगों ने कंप्लीट की है, तो अभी बहुत से स्टेशंस बाकी हैं. मुझे लगता है कि कम से कम अभी 800 या 900 स्टेशन और हमें चलना है, तो देखते हैं. मैंने ये तो इतना तो ज़रूर सोचा था कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल करेक्टर मुझे मिला है, लेकिन इतना पावरफुल होगा, इतना कुछ इसमें करने को मिलेगा, ये मैंने नहीं सोचा था. बिकॉज इसका सारा क्रेडिट मैं राइटर्स को दूंगा जो इसका बीज बोते हैं और आई एम एंजॉइंग एज एन एक्टर. मुझे इतनी खुशी, इतना मज़ा आता है बिकॉज मैं ये जो मैंने कहा ना कि गिरना पड़ना, चोटें लगती हैं, वो सब सह लेता हूँ. इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ता है वो भी सह लेता हूँ. 12 घंटे शूटिंग करनी पड़ती है वो भी सह लेता हूँ. क्यों? केवल और केवल एक बात कि मैं इस कैरेक्टर को बहुत एंजॉय करता हूँ.
और बिकॉज मुझे मेरे व्यूअर्स, मेरे दर्शक, मेरे फैंस बहुत पसंद करते हैं इस रोल में, सो मुझे बहुत आनंद आ रहा है, तो इस आनंद को मैं खोना नहीं चाहता, तो मैं चाहता हूँ कि ये आनंद और एक दो दो साल तो कम से कम चले। मैं नहीं बोलना चाहूँगा, बिकॉज अब क्या बोलूँ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी। मैं बहुत बहुत बड़े, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, इतनी अच्छी अच्छे वो बातें बोलते हैं, इतनी बारीकी से देखते हैं, और बिकॉज तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती, तारीफ़ तो सबको अच्छी लगती है ना। और कलाकार तो जो होता है, जो आर्टिस्ट जो होता है, वो उसकी तो खुराक होती है ना। अब इनकी देखो कितनी खूबसूरत हैं और इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, इनके मुंह पे मैं बोल रहा हूँ, अब देखो 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 है ना, सबको बहुत अच्छा लगता है ये तारीफ़ तो कमाल की चीज़ है। तो जब तारीफ़ होती है ना, तो हम लोगों के लिए तो वही टॉनिक है, वही खुराक है, वही एनर्जी है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ? सही सही सही, बिल्कुल। जब ऑडियंसेस देख के तारीफ़ करते हैं कि हाँ आप ये जो सीन था बहुत अच्छा लगा, या वो सीन में आपने जो ये किया था, मतलब वो लोग इतने डिटेल में देखते हैं और सोचते हैं कि वो हमें ना बहुत ही अलग तरीके से ट्रिगर करता है कि हाँ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, यहाँ पे ये करना चाहिए, तो हमें और क्या बोलूँ, मोटिवेशन मिलता है उससे। फैंस को तो मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, आप हैं तो हम हैं। सीरियस, जैसे आप प्यार करते हैं वैसे ही प्यार करते रहिए, और ये प्यार बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर। मैं स्पेशली बीच में एक एक क्षण के लिए आना चाहूँगा दोनों के बीच में, इतनी दो मतलब इतनी देखो ना, मतलब मैं कैसे, मतलब आई वाज फीलिंग वेरी जेलस, तो मैंने कहा मैं एक सेकंड के लिए बीच में आऊंगा तो मैं तो है ना, अब आप कैरी ऑन। सो गाइस, वी कंप्लीटेड 300 एपिसोड्स। सो हम हमेशा कोई ना कोई साइन करते हैं, जब भी हमारे 200 एपिसोड हुए थे तो हम लोगों ने कुछ और साइन किया था, 100 एपिसोड कंप्लीट हुए तो हमने कुछ, अभी 300 एपिसोड कंप्लीट हुए तो हम लोग कुछ और साइन कर सकते हैं। हां बिल्कुल कर सकते हैं, ये 3 and 0 0, यो ऑल द बेस्ट। ओके, हम यही कहना चाहते हैं कि एक्चुअली हम लोग भी बहुत खुश हैं 300 एपिसोड्स कंप्लीट हुए हैं, बिकॉज ऑफ हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे फैंस हैं जो हम लोगों को डेली देखते हैं, बिकॉज ऑफ देम ओनली हम लोग ये 300 एपिसोड कंप्लीट कर पाए। और खुशी की बात ये है कि हमारा शो जो है थ्रू आउट बहुत अच्छा TRP स्टैंड किया है, आफ्टर तारक मेहता वी आर द सेकेंड हाइएस्ट रैंकिंग ऑन सब TV, तो ये बहुत अच्छा है। और खुशी होती है जब आपका शो हिट है और आप जब बाहर जाते हैं आपका फ्रेंड सर्कल आपके शो के बारे में चर्चा करता है, और छोटे छोटे जो हमारे क्यूट क्यूट से कैरेक्टर्स हैं अलग अलग शोज़ में उनके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, और वो खुद से पसंद करते हैं इस बारे में बात करना, तो और अच्छा लगता है कि हमारा शो इतना पॉपुलर है, फेमस है, सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए। दे लव ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ दिस शो। जब शुरुआत हुई थी डेफिनेटली हम लोग एक नई उम्मीद के साथ बढ़े थे आगे कि हम लोग कुछ अच्छा एक नया चीज़ क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि 25 इयर्स के बाद हम लोगों ने तेनालीरामा को वापस लेके आए हैं ऑन स्क्रीन बिकॉज ऑफ कॉन्टिलो पिक्चर्स। सो ऑफ कोर्स मन में ये तो था कि हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, बट ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी 300 एपिसोड कम्प्लीट हो जाएंगे। मुझे फुल कॉन्फिडेंस था और अभी भी है कि अभी 300 हुए हैं, सून वेरी सून विल कम्प्लीट 500। आई फील कि लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, सो आई विल वेट अनदर सरप्राइज। सो अगर हम लोग 300 की हैं, आई विश कि हम लोग 3000 एपिसोड कंप्लीट करें, आई विश कैसा हो, मच हो गया, बट दिस इज कॉल्ड सरप्राइज एंड डेस्टिनी। यस यस या बिल्कुल। सो मैनी एक्चुअली सारे ही ट्वीट एंड इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पे जो मैसेजेस आते हैं, वो सभी स्पेशल हैं, चाहे वो वन नोट हो, टू नोट हो, या थ्री लाइन का ही कुछ क्यों ना हो। कोई तो इतने सारे गिफ्ट्स भेजते हैं जिसमें टेडी बियर, गणपति, लेटर्स एंड सो मेनी थिंग्स, लाइक हमारे नाम के साथ हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, केक आते हैं, टेडी आते हैं, कप्स आते हैं, मग्स आते हैं, तो
उनका प्यार है ये, उनका उन प्यार, लोगों है, का प्यार है, वो अपना प्यार भेजते हैं। एक के मैसेज के बारे में नहीं बोल सकते, सभी स्पेशल हैं। थैंक यू सो मच गाइस, सब आप लोगों ने इतना प्यार दिया एंड हम लोगों ने 300 कंप्लीट किए हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूँ मनी, ये है धनी, दोनों है सिंगल गोल अंडे, ये उबला अंडा और मैं पिचका अंडा। आइए, ये है हमारी गुरु जी की, आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे आप लोग, है ना। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे आपसे, आप कुछ पूछेंगे या इससे पहले हम कुछ बताएं, अपने जलवे ऐसे ही दिखाएं, पूछिए। हाँ जी, देखिए बस इतना ही कहना चाहते हैं कि दिल में एक तमन्ना है, क्यों ना हो, दिल में एक तमन्ना है, क्यों ना हो, 300 एपिसोड का ये सीक्वल 3 बार क्यों ना हो। हाँ, बस इतनी है। 300 से मैं तो कहता हूँ 3000 पे पहुँच जाए, 300 से 3000 पे पहुँच जाए और हम इस तरह से शूटिंग करते हैं और बार बार मिले आपके पास आके। ये सुदामनी जी, सुदामनी कुछ बताइए हमारे बारे में, आपके गुरु। अच्छा, इन दोनों के बारे में, हमारे बारे में, शिष्य के बारे में, शिष्य कैसे हैं? हम दोनों बहुत खतरनाक है और ऑडियंस इनको बहुत पसंद करती है, बहुत प्यार करती है। तो वैसे ही हम सब चाहते हैं कि हम जितने भी कैरेक्टर्स हैं शो में, आप उन सबको इतना ढेर सारा प्यार देते रहे। थैंक यू। कई बार क्या होता है कि गुरु जी इनके पीछे पढ़ते हैं, हाँ, तो गुरु जी इनके पीछे पढ़ते हैं तो हम भी इनके पीछे पीछे पढ़ते हैं, गुरु जी से पहले हम इनके पास पहुंच जाते हैं, गुरु जी को पता भी नहीं चलता कि हमारे शिष्य इतने नालायक हैं, जिस पर मैंने नज़र रखी उन पर इन्होंने पूरा हाथ रखा हुआ है। आखिर हम शिष्य किसके हैं, गुरु के तो देखिए। जी, सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि धनी मनी के कैरेक्टर को उन्होंने पसंद किया है और बहुत पसंद करती है, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, हर एक कैटेगरी के लोग इस कैरेक्टर को पसंद करते हैं। मैं बहुत ही अभी जल्द दिल्ली गया था, एक स्कूल में गया तो मुझे पता चला कि धनी मनी तथा चारे को लोग कितना पसंद करते हैं और हम अपने काम को बहुत ही शिद्दत के साथ करते हैं। सेट पर कई बार चोटें भी लगती हैं, मुझे तो बहुत बार चोट लग चुकी हैं, निशान है, स्पोर्ट्स के निशान पड़ चुके हैं, बट मैं लगा हूँ अपने काम में, करते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, गुदगुदाते रहेंगे, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। जी, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये हमारी ज़िंदगी का प्राइम टाइम है और इससे पहले हमने थोड़े और शोज भी किए हैं, बट इट्स अ वेरी बिग माइलस्टोन एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आई एम लाइक दिस कैरेक्टर दिस मच कि आई वांट टू कीप कंटिन्यू दिस बॉडी लुक लाइफ टाइम। एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आप बोलना चाहेंगे कि गुरु जी का साथ रहे, हमारे तेनालीरामा का हाथ रहे और आपका ये भी साथ जिंदा रहे। तो बस चलिए, सोहित विजय सोनी, मैं आपके बीच मनी के रूप में नज़र आता हूँ और बहुत सारे रोल्स में नज़र आता हूँ, भाभी जी घर पर एंड वगैरह वगैरह, बाकी तेनाली में देखते रहिए मनी और धनी को और हमारी जोड़ी आपको हंसाती रहेगी, गुदगुदाती रहेगी, कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी भाई, आप देखते रहिए। बस यही कहना चाहूँगा, सेहत किस भाग दौड़ में, जो भाग दौड़ है जीवन किस भाग दौड़ में, अपनी सेहत का ख्याल रखना, जीवन किस भाग दौड़ में अपनी सेहत का ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो आप पीछे छूट जाएं और आपका पेट आगे निकल जाए। तो बस देखते रहिए, इनका पेट आगे निकल चुका है, मेरा भी पेट आगे निकल चुका, अब हम चलते हैं पेट पिचकाने के लिए, बाय बाय। पेट थोड़ा सा और फुलाने के लिए, इट्स अ पार्टी सीजन मैन, बताना नहीं, नहीं बताना नहीं सबके सामने, चल बाय बाय। अरे मेरी ये सौदामिनी है कथाचार्य की, मतलब कथाचार्य मर जाएगा, काट डालेगा दुनिया को इसके लिए। जोर से बोलिए, ये तत्थु, ये तत्थु, मैं ये चाहती हूँ कि हमेशा सर मेरे साथ, मेरे साथ सर नहीं, मैं सर के साथ काम करती रहूँ। आई एम वेरी लकी एंड वेरी हैप्पी कि मुझे पंकज सर जैसे को स्टार मिले, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू, मैं प्राउड करती हूँ सर के ऊपर। थैंक यू। तीन सौ एपिसोड पूरे हो गए, क्या कहना चाहती हैं आप? आज तो हम बहुत खुश हैं और यही चाहते हैं कि आने वाले 400, 500 या 5000 या 6000 जितने भी एपिसोड आए, हम यूं ही सबको हंसाते रहे और आप सब हमारे साथ मुस्कुराते रहे और ये दौर हंसी खुशी का यूं ही चलता रहे। फैंस को क्या कहना चाहती हैं? फैंस के लिए, अगर हमारे फैंस हमें नहीं देखते और नहीं पसंद करते तो आज हम यहाँ नहीं खड़े होते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फैंस है तो हम हैं और वो हमें अगर पसंद नहीं करते तो हम नहीं हैं, हम जो भी हैं आज स्टार है सिर्फ उनकी वजह से है।
सो मैं देखो क्या है कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, फैंस को यही कहूँगा कि ये मुझे सौदामिनी बहुत से मैसेज पढ़ाती हैं कि देखो 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 ये लिखा है तत्थू और सौदामिनी के बारे में, सौदामिनी तत्थू के बारे में। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस जोड़ी को पसंद कर रहे हैं लोग और ऑडियंस एंजॉय कर रही है, और आप ऐसे एंजॉय करते रहिए, आने वाले एपिसोड्स में ये जोड़ी और भी बहुत धमाल करने वाली। तथाचार्य के अंदाज में यहाँ अपना नहीं सकता क्योंकि मैं उस कॉस्ट्यूम में नहीं हूँ। पहले तो सबको बधाई देना चाहता हूँ, पूरी टीम को, हर एक एक्टर को, ऊपर से नीचे हर एक शख्स को, स्पॉट बॉय से लेकर लाइट मैन, मतलब ये एक टीम वर्क होता है और यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज के टाइम में। 300 एपिसोड्स कंप्लीट करना, इतना टाइम निकालना टीवी में, सो बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ये सबको एंटरटेन करते रहें, पूरे चैनल को, पूरे पब्लिक को। नहीं, मैं तेनाली में काम नहीं करता, मैं इस टीम से मैं या ये प्रोडक्शन हाउस मेरे फैमिली का है, घर है। मैं फॉलो ज़रूर करता हूँ, कभी कभी मैं देखता हूँ ज़रूर हूँ, अगर मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ अगर तेनाली आ रहा होगा मैं रुक जाता हूँ। अच्छा शो लगता है, मैं वही कह रहा हूँ, डिफरेंट है, और डिफरेंट जो होती है वो चीज़ हमेशा चलती है। थैंक यू।